अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। ये आज हम एनाटॉमी और हिस्टोटेक्निक का पास पेपर डिस्कस करेंगे। ये हमारे एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है जो हिस्टोटेक्निक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम देना होता है उसके लिए। विच सेल हैज़ नो न्यूक्लियस? ये रेड ब्लड सेल होता है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता। सर्टोलाई सेल जो है ये टेस्टिस में पाए जाते हैं। कॉरोनरी आर्टरी होती है, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। और जो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है ये अल्कोहल होता है। इस तरह जो वेजाइनल स्मेयर के लिए जो स्टेन यूज होती है वो पैप स्टेन है। वो जो ब्लूइंग है वो अल्कलाइन टेप वाटर से की जाती है, ये टॉप लिखा हुआ है। दूसरा जो है विच वन इज नॉट क्लियरिंग इन इट, एस्टिक एसिड है। हमारी बॉडी में रिब्स जो हैं वो 12 पेयर होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता। और डिफेंस के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइज, इनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्टिकल कॉलम है, इसका सर्वाइकल पार्ट होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है और कॉक्सिक होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम होता है जो ब्लड को डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर से में जाता है और फिर उसके बाद वेन्स में जाता है। तो पोर्टल सिस्टम कहते हैं ऐसी, जब नॉर्मल ये होता है कि हमारी बॉडी में कैपिलरीज मिलके वेन बनाते हैं और वेन आगे डिवाइड नहीं होती। लेकिन अगर वेन आगे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएं और फिर वो कैपिलरीज मिलके वेन बनाएं तो इस सिस्टम को हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कैपिलरीज होती हैं वो मिलके वेन्स बनाती हैं, वो वेन्स लीवर में जाके फिर आर्टरीज वो बन जाती हैं, कैपिलरीज बन जाती हैं, इसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो ऊपर गुजर चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। जैसे ये टीएसएच रिलीज करेगा तो वो थायराइड को कंट्रोल करेगा, एसीटीएच रिलीज करेगा एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। और इसी तरह अगर ये एफएसएच रिलीज करता है तो मेल में टेस्टिस को और फीमेल में ओवरीज को की सेक्रेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जो स्प्लीन की जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पे हाइपो ये जो है एपिकॉन्ड्रियम के अंदर है, मतलब ये जो हमारा राइट लेफ्ट लंबर है इससे ऊपर, और एपिगैस्ट्रिक से लेफ्ट साइड पे है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट, ये जो है ना लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। इसके जो मेन फंक्शन है ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हिमाटोपोइसिस का काम करती है और हमारा ब्लड स्टोर करती है, प्लेटलेट को स्टोर करती है, और ये हमारे डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ लीवर? लीवर के जो मेन फंक्शंस हैं बहुत सारे हैं। प्रोटीन बनाना है, कोगुलेशन फैक्टर्स बनाना है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, ग्लोबुलिन के डिटॉक्सिफिकेशन करना है, इस तरह के बहुत सारे। डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन सूडो स्ट्रेटिफाइड एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर। ऐसी एपिथेलियल टिश्यू जिसके दो या दो से ज्यादा लेयर्स हों उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सूडो का मतलब होता है झूठा। ऐसी स्ट्रेटिफाइड लेयर जो असल में स्ट्रेटिफाइड ना हो, मतलब ये ऐसे सेल्स इस तरह अरेंज होते हैं, सेल्स की लेयर एक होती है लेकिन नजर दो आते हैं। इस तरह जो फेरिंग्स है, हमारा गला है, इसके अंदर तीन की चीजों की ओपनिंग होती है। एक हमारे नाक के पीछे वाले को ओरोफेरिंग्स कहते हैं, मुंह के पीछे वाले को ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जो गला है इसको लरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। जो फीमेल जेनिटल ट्रैक है इसका जो पार्ट्स हैं, मेन ओवरीज हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, और यूट्रस है, और सर्विक्स है, और वजाइना है। अपेंडिक्स की अगर हम माइक्रोस्कोपिक फीचर देखें तो इसमें हमें वही सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर्स हैं वो मिलेंगी, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सीरोजा। लेकिन इसके अंदर साथ में लिम्फाइड टिश्यूज भी होते हैं। पैराफिन वैक्स टेक्निक के बहुत सारे फायदे हैं इसकी प्रॉपर्टीज में, मतलब ये पैराफिन वैक्स टेक्निक जो है ना ईजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और टिश्यू को ईजिली मतलब स्टेन करने में हेल्प करती है। डीकैल्सिफिकेशन जब हम टिश्यू करते हैं, डीकैल्सिफिकेशन का मतलब है टिश्यू से कैल्शियम को रिमूव करना। इसको हम एक्सरे के जरिए चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना कंटेंट है कैल्शियम का, और साथ में इसका हम किसी पिन के जरिए प्रेस करके भी और इसको थोड़ा सा बेंड करके भी चेक कर सकते हैं कि कैल्सिफिकेशन इसकी रिमूव हुई है या नहीं, मतलब डीकैल्सिफाई हुआ या नहीं। एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज जो है हमारे एपिगैस्ट्रिक एरिया में होता है, और ये इसकी जो टेल है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी जाती है। स्टेन जो है ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी जो
जो एनाटॉमिकल पार्ट है हमारी बॉडी का या सेल के कुछ पार्ट्स हैं उसको रंग देता है, और ईओसिन स्टेन ईओसिन है और हीमोटॉक्सिन स्टेन है। ईओसिन जो है ये एसिडिक स्टेन है और ये बॉडी के बेसिक हिस्सों को जाके स्टेन करती है। इस तरह बेस स्लेज माइक्रोटोम, माइक्रोटोम ऐसी मशीन होती है जो हमारे टिश्यूज को बारीक स्लाइसेस में कन्वर्ट करती है, उससे हमारे टिश्यू के बारीक से लेयर्स बन जाती हैं और उसको हम स्लाइड पे रख के और आगे फर्दर माइक्रोस्कोप में देखने के काबिल बनाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपनी सिक्रीशन डक्ट्स में सिक्रीट करते हैं, एंडोक्राइन वो होते हैं जो डक्ट के बगैर सिक्रीट करते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर वो सिक्रीट करते हैं। एच एंड ई स्टेन का जो प्रिंसिपल, हीमाटॉक्सिन ईओसिन स्टेन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो हमारे इस स्टेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक। जो स्टेन का एसिडिक पार्ट है वो सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करता है, और जो बेसिक पार्ट है वो सेल के एसिडिक पार्ट को स्टेन करता है। ठीक हो गया, तो हीमाटॉक्सिन ईओसिन हो गया। हाँ, क्लासिफाई बेसिक टिश्यूज, हमारे जो है एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है। तीन जो मसल के टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल है, कार्डिक मसल है और स्मूथ मसल्स होते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ हार्ट, हार्ट के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर मौजूद है, हार्ट की वाल का स्ट्रक्चर भी मौजूद है। आप इसको हमारे उस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बाय इमरान यासीन या एच एस लोधरा में देख सकते हैं। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी और ब्रीफली इसलिए बताया ताकि आपको जो पास्ट पेपर्स हैं इसका थोड़ा सा जल्दी से ओवरव्यू मिल जाए। ठीक हो गया, अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।